पर जो केमिकल्स लगे रहते हैं उनको साफ किया जाए। यहाँ पे देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखा रहे हैं मेकिंग। जहाँ पे देखिए पहले कैरी की कटिंग हो रही है, देखिए, और इसके बाद में आपको दिखाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस, जो कि इसको मशीन में डाल के जो इसका रस निकाला जाता है, जूस निकाला जाता है, उसकी मेकिंग दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मैडम इनके खुद की ही कैरी का कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ऑर्डर के हिसाब से अपनी कैरी का जूस निकलवाना है। तो ये देखिए यहाँ पे खुद की कैरी लाइए और खुद ही जो आम है उसको कट कीजिए, और उसका रस निकालने के लिए जो पैसे लगते हैं वो दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पे देखिए कटिंग हो रही है। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे लाइन वाइज ऑर्डर लगे हुए हैं। ये देखिए, और यहाँ पे ये देखिए मैंगो जूस की प्रिपरेशन हो रही है। ये देखिए, और ये देखिए आम को ले जाके उसको धुलाई किया जा रहा है, ताकि जो उसके ऊपर जो केमिकल्स लगे रहते हैं उनको साफ किया जाए। ये देखिए उसको साफ सफाई से धुलाई किया जा रहा है। ये देखिए पानी से धोकर उसको, यहाँ से बल्ब और जो इसका खराब हिस्सा है वो बाहर निकल जाएगा, जो उसके पेड़ है, गुठली है, वो सब बाहर निकल जाएगी। और यहाँ पे देखिए ये निकल रहा है इसका जूस। ये देखिए यहाँ से जूस को निकाला जा रहा है, ये देखिए कहाँ जा रहा है। ये देखिए भाई जूस निकलने के बाद में उसको साइड में निकाल दिया जाएगा, और उसको बाद में गर्म होने की प्रोसेस के लिए रख दिया जाएगा। देखिए ये जूस को गर्म करने के लिए लाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे उसको रख दिया गया है, और अभी उसको गर्म किया जाएगा। और ये देखिए उसको गर्म करने के लिए रख दिया गया है। ये देखिए भाई जूस को पकाया जा रहा है। तो अंकल जी, इसको पकाने में कितना टाइम लगता है? जितना माल रहता है इतना टाइम लगता है, यानी जितना किलो कैरी रहेगा उसके हिसाब से, अंदाजे से उसको उसके हिसाब से रहता है, पकाया जाता है। उसका टाइम नहीं रहता है कोई, उसका टाइम फिक्स नहीं रहता है। ओके, यहाँ पे देखिए ये बन रही है जूस की मेकिंग। तो जूस को गर्म किया जा रहा है, जिसको स्टोरेज करने पर भी आपका जूस खराब नहीं होगा। ये देखिए उसको गर्म भट्टी पे गर्म किया जा रहा है, ताकि वो आप 12 महीने तक खा सकते हो, उसको स्टोरेज कर सकते हो फ्रिज में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखा दूँ आपको, ऑलमोस्ट ये जूस जो बनाया गया रस को पका के एकदम गाढ़ा कर दिया गया है, और ये ऑलमोस्ट पक चुका है। अब इसके बाद में होगी इसकी पैकिंग। बने रहिए अपने साथ में, दिखाता हूँ आपको इसकी पैकिंग कैसे होती है। ये भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है, तो अभी इसको बंद कर दिया गया, और इस गर्मा गर्म रस को, जूस को पैकिंग के लिए ले जाया जाएगा। ये देखिए गर्मा गर्म जूस को पैकिंग के लिए लेके जाया जा रहा है, और यहाँ पे देखिए इस चीज़ की पैकिंग हो रही है। ये देखिए, तो ये देखिए अभी इसको कंटेनर में भरा जाएगा। तो ये देखिए ये कितने लीटर का रहेगा भैया? एक लीटर का। यहाँ पे देखिए उसको ढक्कन लगा के, और यहाँ से उसको पैक किया जाता है। ये देखिए मशीन के द्वारा, और ये पैक। ये देखिए भाई यहाँ पे गर्मा गर्म जूस की पैकिंग हो रही है। यहाँ पे देखिए ये कंटेनर है, उसको जिसका ऑर्डर है उसको दिया जा रहा है। क्या हम जो ये जूस निकाल रहे हैं ये कितने दिन तक या कितने महीनों तक स्टोरेज कर सकते हैं? 12 महीने तक। और ये अपने आप बनाते हो या कोई दूसरा लाके देते काम है? दूसरा केरी लाते हो, हम बनाते हैं। खाली आप बना के देते हैं? और उसकी क्या मजूरी रहती है? 60 रुपया लीटर, लीटर का डब्बा आता है। अच्छा, एक लीटर का डब्बा रहेगा, और डब्बे के साथ में 60 रुपए। ओके, और अगर यहाँ पे किसी को आना है केरी लेके तो कैसे आएंगे?
महावीर चौक अमेजिंग स्टार क्रिस्टल गिजरिया के बीच में है, वराछा सूरत। हाँ वराछा सूरत। ओके ठीक है, ये है फायर सेफ्टी के लिए, ताकि यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे फायर सेफ्टी के साथ में काम किया जा रहा है।